और सीधे इस वक्त बाड़मेर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। रूप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा स्थान है घोड़े के अंदर, दूसरा स्थान है बाजीगर मालिक है, बाजीगर मालिक श्री आंचल सिंह जी, आंचल सिंह जी केतु, वो आए दूसरे स्थान पर, आधा किलो चांदी उनको दी जा रही है। और तृतीय पुरस्कार है मालिक श्री है मोहन सिंह जी चितलवाना, मालिक मोहन सिंह जी चितलवाना, वो आए और पाव किलो चांदी लेकर पधारे। रतन सिंह जी और शोभ सिंह जी भी पहुंचे, समंदर सिंह जी, तीनों को आप भी पुरस्कृत कर दें। समंदर सिंह जी आप ही प्रथम वाले तीनों को दे दो तुरंत, बाहर रखो, अब इनको बिठा देंगे, इनको जाओ आप जल्दी जाओ। अभी हमारे को तोमर साहब संबोधित करेंगे, आप उनका भाषण सुनेंगे तो वास्तव में आपको पता चलेगा कि हमारे देश की कृषि किस ऊंचाइयों पर जा रही है और हमें क्या सौगात देकर जाएंगे। यहां पर वो आप हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा, मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं। इसलिए हम उनके पूरे उद्बोधन को यहां पर बैठकर सुनेंगे अंतिम समय तक। और गो सांड बैल के लिए जो प्रथम स्थान पर है वो मानीराम जी, उनके जो प्रतिनिधि है सुरेश चंद्र चौधरी, वो आए, उनके लिए पाव किलो है। ऊंट के लिए है वो ढाई किलो का है, वो श्री प्रभु राम जी है, प्रभु भाई, वो धनेरे साहब, वो आ जाए, उनको पाव किलो चांदी दी जा रही है बैल के लिए। और एक सांड के लिए सर्वश्रेष्ठ अश्व, उसके लिए पाव किलो दी जा रही है, वो मालिक बलवंत सिंह, सवा किलो है, वो बलवंत सिंह जी है सांचोर से, वो आए और अपना पुरस्कार लेकर जाए। हाँ, तीनों में है, समंदर सिंह जी की तरफ से सवा सवा किलो चांदी दी जा रही है। अब मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कैलाश जी, हाँ भाई, हमें हो गया पूरा तो नहीं तो बीच में एक बार रोक दो, साफ रोक कराऊं पच कर, बिल्कुल ठीक है। अब अपन सभी को जो उत्कृष्ट जो हमारे किसान हैं उनको और पॉलिसी देने वालों को जो हमारे यहां पर बैठे इनको माननीय तोमर साहब के उद्बोधन के बाद में पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए जब तक सभी हमारे सम्मानित को सम्मान न मिल जाए तब तक हमें स्थान नहीं छोड़ना है। अब मैं सीधा ही माननीय हमारे मंत्री महोदय आदरणीय तोमर साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और हमारे जो दूर दराज से यहां पर आए हुए किसान जो सुबह 11 बजे से यहां पर आपके उद्बोधन का इंतजार कर रहे हैं उनको आप सभी को संबोधित करें, ऐसा मैं निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से। माननीय तोमर साहब मंच पर जो है वो सभी एक बार बैठ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के किसानों के इस सम्मेलन में हम सब के मध्य विराजमान आपके ही राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी नेता और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से अपना कार्यक्रम बदलकर पधारे। ऐसे हमारे भारत सरकार के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, जिनके कारण हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, ऐसे आप सबके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता
आदरणीय अंबाराम जी, विधायक हमीर सिंह जी, जोगेश्वर जी, नारायण सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे पूज्य संतगण, बाड़मेर और जैसलमेर जिले के पदाधिकारीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और इस अवसर पर उपस्थित किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज यह मेरा परम सौभाग्य है कि राजस्थान की इस वीर भूमि पर मैं आप सब के दर्शन करने का सौभाग्य अपने जीवन में उपलब्ध कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं कैलाश चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, सिद्ध स्थानों के दर्शन करने का भी अवसर प्रदान किया और आप सब से मिलने का भी अवसर प्रदान किया। आज का यह कार्यक्रम मेले के दौरान संपन्न हो रहा है। मेला हमारे क्षेत्र की एक ऐतिहासिक परंपरा है और इस परंपरा का आज तक भली प्रकार से निर्वाह हो रहा है। आज इस मेले में पशुपालन मंत्री जी का भी आगमन हुआ है। मैं समझता हूं कि अब केंद्र से भी इस मेले के उत्थान में किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो संजीव बालियान जी आपको मदद करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। लेकिन मेले के दौरान आज किसानों का यह समागम है, आप सब सुबह से आए हैं, दिन भर इंतजार किए हैं, मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से सरकार की योजनाओं को आप सबके मध्य रखा है, लेकिन आज का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विस्तार और व्यापकता को प्रदान करने के लिए संपन्न हो रहा है। फसल बीमा योजना अटल जी के समय में अस्तित्व में आई थी, लेकिन अटल जी उसको और लाभप्रद बनाते, लेकिन अटल जी की सरकार चली गई। 10 साल तक लगातार जो सरकार रही उन्होंने कुछ परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फसल बीमा में परिवर्तन किया और आज उसके परिणाम स्वरूप देश भर के किसानों जिनका बीमा किया जाता है और उनमें से जिनका नुकसान होता है, ऐसे किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जा सका है। मैं समझता हूं कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बीमा योजना के माध्यम से इतनी बड़ी राशि किसानों को कभी भी प्राप्त नहीं हुई है। इस योजना को और अच्छा बनाने के लिए आपके पास गारंटी जैसा कागज रहे, इस दृष्टि से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। अब जो किसान बीमा कराएगा उसकी पॉलिसी भी उसके घर पर पहुंचाई जाएगी। यह कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। मैं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए और इस योजना के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब के आशीर्वाद से ही 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और जब से मोदी जी ने कामकाज संभाला है
तब से लगातार गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला और नौजवान, इनका हो उत्थान, इस सिद्धांत के आधार पर नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे हाल ही में 4-5 राज्यों के होने वाले चुनाव हो, सब तरफ एक ही आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और जब आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को ताकत प्रदान की है, तो नरेंद्र मोदी जी की इच्छा ये नहीं है कि हमारा किसान हमेशा दान पर जीवित रहे। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारा किसान स्वाभिमानी है, हमारा किसान परिश्रमी है, हमारा किसान मेहनती है, हमारा किसान दृष्टिवान है, हमारा किसान ईमानदार है, तो इस किसान की निर्भरता किसी पर भी नहीं होना चाहिए। और इसलिए लगातार मोदी जी खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, किसान वाजिब दाम पर अपना उत्पादन बेच सके, उसकी प्रोसेसिंग कर सके, पैकेजिंग कर सके और अच्छे से कमा सके, इस दृष्टि से अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। अभी कैलाश चौधरी जी ड्रोन की बात कर रहे थे। कौन सोच सकता था कि ड्रोन से पेस्टिसाइड का सर्वे, स्प्रे, यह गांव-गांव में किसानों के लिए संभव हो सकेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि किसानों के लिए ड्रोन पेस्टिसाइड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, क्रॉप के आकलन के लिए नुकसान हो जाए तो पटवारी पर निर्भरता खत्म करके ड्रोन से ही फोटो खींचकर फसल बीमा का मुआवजा देने के लिए अब गांव-गांव में ड्रोन का उपयोग किया जाने वाला है। यह नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों का परिणाम आज हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा 10,000 एफपीओ बनाने की योजना प्रारंभ हुई, 6,865 करोड़ रुपया उस योजना पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो छोटे किसान हैं वो एफपीओ से जुड़ें, उनका रकबा बढ़े, उनकी पैदावार बढ़े, उनको टेक्नोलॉजी मिले, उनको आदान सस्ते में प्राप्त हो सके, वो अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन पैदा कर सकें और उत्पादन ऐसा हो कि देश में भी अच्छे दाम पर बेचे और विदेश में भी जाए तो उस उत्पादन को लोकप्रियता मिले और उसका वाजिब दाम किसान को मिले। इसलिए 10,000 एफपीओ बनाने का काम देश भर में प्रारंभ किया जा रहा है। बाड़मेर जिले के भी हर ब्लॉक में एक एक एफपीओ बनाने का काम लगभग पूर्णता की ओर है। इस दिशा में और सब किसानों को भी प्रवृत्त होना चाहिए। इस मौके पर मैं आप सब लोगों को यह आग्रह करना चाहता हूं, भारत सरकार यह चाहती है कि टेक्नोलॉजी की ओर किसान की उन्मुखता बढ़े। भारत सरकार जो राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम चला रही है उनका लाभ भी छोटे किसान तक पहुंचे और इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जितना करना अपेक्षित होगा उसके लिए केंद्र सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हम सब बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के लोग हैं, हम सब ये जानते हैं कि वर्षा आधारित खेती
बड़ी मात्रा में इधर है, लोग मोटा अनाज भी पैदा करते हैं, और इसीलिए कैलाश चौधरी जी यह कह रहे थे कि एक बाजरा से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट बाड़मेर में भी, इस क्षेत्र में भी खुलना चाहिए। मैं कैलाश चौधरी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, वैसे तो वो स्वयं इस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन इसकी वो तैयारी कर लें, आने वाले कल में बाजरा का इंस्टीट्यूट यहां पर खुले, यह सुनिश्चित करने का प्रयास निश्चित रूप से हम सब मिलकर करेंगे। आपके सांसद बहुत ही जुझारू हैं और यशस्वी हैं, विजनरी भी हैं, और विशेष रूप से सांसद तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन कैलाश चौधरी जी जब ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित रूप से किसान की संख्या ही ज्यादा होती है, तो कैलाश चौधरी जी की विशेषता है वो सांसद तो हैं लेकिन वो किसानों के सांसद हैं, ये हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। मेरे साथ वो इस कार्यकाल में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, दिल्ली का काम मिलता है तो दिल्ली का काम करते हैं, दूसरे किसी राज्य में जाना पड़ता है तो उसके लिए भी समय निकालते हैं, लेकिन जब मैं ज्यादा उनको इधर उधर जाने की बात कहता हूं तो एक आध हफ्ते बाद वो ये जरूर कहते हैं कि भाई साहब हफ्ता बीत रहा है, अब क्षेत्र के किसानों के बीच में भी मुझे जाना है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा गुण कैलाश चौधरी जी का है, और कैलाश चौधरी जी आप सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जो हक अपने इस क्षेत्र को भारत सरकार से प्राप्त हो सकता है, चाहे वो मेरे मंत्रालय के द्वारा हो, चाहे संजीव बालियान जी के मंत्रालय के द्वारा हो, चाहे हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मंत्रालय के द्वारा हो, भारत सरकार की ओर से इस क्षेत्र के कृषि विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, इस दृष्टि से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज फसल बीमा के इस आयोजन में आप सब लोग पधारे, मैं मंत्रालय की ओर से आप सबका स्वागत भी करता हूं, और आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप बीमा योजना के कवरेज को बढ़ाने में मदद कीजिए, अगर कोई तकलीफ आए तो उस तकलीफ के निराकरण के लिए भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत। तो बाड़मेर से केंद्रीय कृषि मंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे, वे वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि देश भर के बीमाधारी किसानों को 1,15,000 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा, और आज से शुरू हुए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को घर बैठे ही उनकी पॉलिसी मिल सकेगी।